चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। ए कंपनी पेज अ डिविडेंड ऑफ ₹50% ऑन इट्स ₹10 शेयर फ्रॉम विच इट डिटेक्ट्स इनकम टैक्स एट अ रेट ऑफ 22%। यहाँ पे देखिए फिर से इनकम टैक्स काटा है और रेट ऑफ डिविडेंड हमें दिया हुआ है 15%। शेयर की वैल्यू दी हुई है ₹10, इनकम टैक्स काटने का रेट दिया हुआ है 22%। नाउ फाइंड द एनुअल इनकम ऑफ अ मैन हु ओन्स 1000 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी। नंबर ऑफ शेयर्स भी दिए हुए हैं तो हम लोग पहले लिखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें दी हुई है। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू 1000। फेस वैल्यू दी हुई है यहाँ पे ₹10 है, ये ₹10 शेयर्स है। फेस वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू ऑफ वन शेयर इक्वल टू ₹10। रेट ऑफ डिविडेंड है ₹15% और रेट ऑफ इनकम टैक्स है 22%। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1000 शेयर निकालेंगे। वन शेयर की वैल्यू पता है ₹10, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1000 शेयर्स सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जाएगा तो 1000 इंटू 10 इक्वल टू 10,000 रुपीस की वैल्यू हो गया। अब हमें निकालना है कि हमारी एनुअल इनकम कितनी हुई है, इस पे जो इतना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उस पे एनुअल इनकम कितनी हुई है, डिविडेंड कितना मिला है। तो रुपीस 10,000 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड 15% है, 1500। ये हमारा एनुअल इनकम हुआ है। जो ये एनुअल इनकम हुआ है इसके ऊपर 22% टैक्स काट लिया है, तो इनकम टैक्स डिडक्शन इक्वल टू ऑन रुपीज 1500 इक्वल टू 1500 इंटू 22/100 कैंसिल हो 15 2 30 33 330। यहाँ पे ₹1500 पे ₹330 में टैक्स काट लिया, तो नेट इनकम हुई उसकी एनुअल इनकम माइनस टैक्स डिडक्शन, दोनों वैल्यू हमें पता है। 1500 माइनस रुपीज 330 माइनस करेंगे नेट इनकम परसेंट की हुई 1170 रुपीस की। ये हमारा आंसर हो गया।